नमस्ते दोस्तों, ममता यूट्यूब ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे छोटी बैंगन की कलौजी। तो दोस्तों बैंगन के पेड़ के पास हम आ गए हैं, तो बैंगन के पेड़ बहुत सारे नहीं है, दो या तीन पेड़ है, लेकिन बहुत सारे फल लगे हैं। तो इसमें से हम अच्छे अच्छे बैंगन को तोड़ लेते हैं कलौजी बनाने के लिए। ये देखिए कितना छोटा छोटा, कितना अच्छा लग रहा है, देख जामुन की तरह लग रहा है। तो देखिए गुच्छे गुच्छे फले हैं, तो हम ऐसे तोड़ लेते हैं। और ये देखिए सफेद बैंगन, इसे भी हम तोड़ लेते हैं। ये भी देखिए फरा है। तो दोनों बैंगन को हमने अच्छे से तोड़ लिए हैं, थोड़ा और तोड़ लेते हैं। तो बैंगन को तोड़ कर लेकर हम आ गए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं, पहले हम इसे धो लेते हैं। तो दोस्तों बैंगन को लेकर हम आ गए हैं, बैंगन को हम अच्छे से धो लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए देसी बैंगन है, बहुत छोटा छोटा है। तो हम इसे पहले अच्छे से दो बार पानी से धो लेते हैं और इसे ऐसे रख लेते हैं और ऐसे देख लेते हैं कुछ कीड़ा उड़ा पड़ा तो नहीं है। ऐसे चार भागों में ऐसे काट लेते हैं। तो ऐसे ही सारे बैंगन को हम काट लेते हैं, देख लेते हैं कुछ पड़ा उड़ा तो नहीं है कीड़ा उड़ा। लेकिन बहुत ही अच्छा ये देखिए सफेद बैंगन है। तो बैंगन को हमने अच्छे से काट कर रख लिए हैं, अब चलते हैं कलौजी बनाने। तो दोस्तों हम अपने किचन में बैंगन को लेकर आ गए हैं। तो कलौजी बनाने के लिए हमने क्या क्या सामग्री सामान लिए हैं, ये देखिए लहसुन, लहसुन के छिलके को हमने अच्छे से निकाल लिए हैं। ये देखिए गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और ये है पचफोरन। तो और यहाँ पर हमने ये हींग लिए हैं। तो दोस्तों पहले हम लहसुन को अच्छे से और सारे मसाले को हम मिक्सर में पीस लेते हैं। तो हम सारे मसाले को मिक्सर में पीस लेते हैं, लहसुन और एक गरम मसाला, धनिया पाउडर को भी ले लेते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर। तो उसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं और मसाले को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो मसाले को हमने तैयार कर लिए हैं, गैस को हमने जला लिए हैं, रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई मेरा गर्म हो रहा है, तो कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। हम इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल, हो गया है। हम इसमें डाल देते हैं कड़ी पत्ता और पचफोरन। तो पहले हम बैंगन को भून लेते हैं। तो ऐसे ही हम अच्छे से बैंगन को फ्राई कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो नमक को हमने डाल दिए हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा हम इसे थाली से ढक देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। तो देखते हैं बैंगन अच्छे से हो गया है कि नहीं। तो देखिए बैंगन अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम मसाले को डाल देते हैं और इसे अच्छे से पकाते हैं। तो मसाले को हम अच्छे से पका लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए, गांव की देसी छोटी बैगन की कलौजी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं। तो सारे मसाले को हमने अच्छे से पका लिए हैं और उसे मिला लिए हैं, अच्छे से पक गए हैं। तो हम इसे ऐसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो दोस्तों देखिए, बैगन की कलौजी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों आप सबको मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आप इसे दाल चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर मेरा आप सबको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।